भाई राम राम। किसान भाइयों, आज हम तुम्हें बताओगे कौन से गन्ने में कौन सी दवाई लगाओ जिससे हम जो फसल जो अच्छी हो जा। क्योंकि गन्ने में अब जो समस्या आएगी, एक तो आएगी टॉप बोरर की, दूसरे आएगी पक्का बोइंग की। पक्का बोइंग की तो पिछाण जो भाई तुम्हें इसमें दिखा दूँ, इसमें आया तो आएगी जो पत्ते तमक्खू से हो जा ना, ये ऊपर की जो गोफ पत्ते गई वो तमक्खू सी हो जा, ढूंढ हो जा, ढूंढ यार ढूंढा बोल दो इसी भाषा में। और जो इसमें टॉप बोरर की शिकायत है वो जिस गन्ने में उसकी पहचान है कि जो पत्ते हैं ऊपर की साइड में उसमें ऐसे छेक से हो जा, छेक से जिस तरह BDP का किसान भाई कुर्ते में लग जाना कड़े 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 धब्बे से, तो वह टॉप बोरर की पहचान। जैसे ये हमसे चिरंग तो नीचे एक हमें सुंडी मिलेगी, अब सुंडी मिलेगी उस पर हमें कौन सी दवाई कारगर है, दोनों दवाई जो उसमें कारगर है भाई टॉप बोरर पर भी और पक्का बोइंग पर भी, उसके लिए हम दवाई बताओगे कौन सी है सबसे बेहतरीन उसका रिजल्ट है। ये देखिए पहले तो मैं तुम्हें ये गन्ना दिखा रहा है, ये गन्ना PV95, इसके फिलहाल जो हाइट लगभग 12.5-13 फुट की इसकी हाइट है। और इस पर हमने आज से 20-22 दिन पहले एक छिड़काव कराया था, मैं आपको दिखाऊँ इसका छिड़काव कराया था हमने। ये है लीजेंड 80, ये लीजेंड 80 हो, इसका हमने छिड़काव कराया था आज से 15-20 दिन पहले। और ये PV95 दिखाऊंगा भाई, कैमरामैन इधर से भी दिखाओ, इसमें मेरे हिसाब से ना के बराबर रोग हो, एक स्प्रे हो गया इसमें, एक हो गया तो शुरुआत में इसमें स्प्रे जब हमने इसमें कोर करी थी, उसके बाद हमने कोई स्प्रे नहीं करा। इसमें पोटाश डाल दिया था अभी 10-15 दिन पहले, बारिश सी हुई थी इससे पहले हमने इसमें पोटाश डाल दिया था कैल्शियम में मिला कर। पक्का बोइंग के लिए है ये एजॉक्सी, ये 25 ml पर टंकी में डालनी है, जैसे कि आम टंकी जो किसान भाई यूज करो 17-18 लीटर वाली, 25 ml तो लगेगी टंकी, जो 250 ग्राम का पैकेट हो, पैकेज हो इसमें से आप 25 ml एक टंकी में डालना, 10 टंकी बन जाएंगी इसमें तो। और ये है 100 ग्राम का लीजेंड 80, इसमें तो 10 टंकी बनेंगी, यानी कि लगभग ये जो डोज में बता रहा हूँ आपको ये 5 बीघे में लगभग कवर कर लेगी। और रिजल्ट इतने दासू हैं कि एक बार अगर तुमने दोनों चीज़ जो है यूज कर ली ना, तो मैं तो मानता नहीं कि इसने बेहतरीन रिजल्ट किसी और चीज़ के देखने को मिले। भाई हम भी खेती करो, हमने सारी चीज़ लगा के देख ली, लेकिन हमें जो रिजल्ट दिखाई दिया ये सारे खेत में हमने इसमें डाल दिया था, इसका रिजल्ट बता सकता हूँ क्योंकि हमने इसका रिजल्ट लिया। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो इसे शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो, बाकी जो आपको जानकारी हो वो कमेंट में हमें ज़रूर बता दो। धन्यवाद।